नमस्कार, आपने हमारी संस्था में या तो कॉल किया है अपनी बीमारी के बारे में जानने के लिए, या आपके घर में किसी को कोई गंभीर बीमारी है, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास तीन तरीके हैं। एक, जिनको बहुत गंभीर बीमारी है, किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम, सोराइसिस, ऑटोइम्यून डिजीज़, अस्थमा, बड़ी बड़ी बीमारियाँ जो हॉस्पिटल में आकर हम लोग बेटर करते हैं पेशेंट को। एक, हमारी क्लिनिक्स हैं पूरे भारत में, 30 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, 100 से अधिक क्लिनिक्स हैं और हमारे पास 250 से अधिक डॉक्टर्स की टीम है। पहले देखते हैं आयुर्वेद क्या क्या कर सकता है। ये देखिए, भारती कॉमेडियन, इसकी मम्मी को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। ये न्यूज़पेपर आप देख रहे हो कि भारती की मम्मी को किडनी फेल में हमारे हॉस्पिटल में आराम मिला और आज 12 महीने हो गए हैं, उसकी मम्मी का एक भी डायलिसिस नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी, वो आयुर्वेद के बारे में क्या कह रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो मैं आज आपको एक बड़ी अहम जानकारी देना चाहता हूं। मैं अपने एक मित्र राइला ओडिंगो जी के और उनकी बेटी रोज मैरी का भी जिक्र करना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे रोजमेरी की जिंदगी में जो बड़ी मुसीबत आई कि रोजमेरी की आंख में कुछ तकलीफ हुई थी और उसकी एक सर्जरी हुई थी, शायद उसको ट्यूमर का प्रॉब्लम था ब्रेन में और उसकी सर्जरी हुई थी, और उस सर्जरी में रोजमेरी ने अपनी आंखें खो दी। और एक पिता के नाते मेरे मित्र ओडिंगा जी ने पूरी दुनिया को छान मारा। विश्व का कोई बड़ा देश ऐसा नहीं होगा जहां रोजमेरी का उपचार न हुआ हो, लेकिन रोजमेरी की आंखों में रोशनी वापिस नहीं आई। आखिरकार उन्हें सफलता भारत में मिली और वो भी आयुर्वेद उपचार के बाद। आयुर्वेद का उपचार किया गया, रोजमेरी की रोशनी वापस आ गई। वो आज देख रही हैं, जब उसने पहली बार अपने बच्चों को फिर से देखा तो मुझे ओडिंगा जी बता रहे थे वो पल उसकी जिंदगी की स्वर्णिम पल। सुना आपने नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, आयुर्वेद से पूरे विश्व के 5 बड़े बड़े देश जो नहीं कर पाए, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, अमेरिका और जापान, जो नहीं कर पाए वो भारत के आयुर्वेद ने कर दिया। और लोग बोलते हैं आयुर्वेद स्लो है, आयुर्वेद बहुत ज्यादा फास्ट है। मैं आपको एक और रिजल्ट दिखाता हूं हमारे अपने डेराबस्सी हिम्स हॉस्पिटल का। पेशेंट आया था किडनी का इलाज कराने, पेशेंट की किडनी खराब थी, हमने पेशेंट का साथ में आंखों का इलाज भी कर दिया, वो भी 4 दिन में। ये देखिए वीडियो। मेरा नाम हरिंदर सिंह औलख है और मैं चंडीगढ़ का निवासी हूँ। मेरी उम्र तकरीबन 55 साल है और पिछले 10-15 साल से मेरे को ब्लड शुगर भी थी, हाइपरटेंशन भी थी और अपना थायराइड का भी प्रॉब्लम थी। अभी पिछले 2-3 महीने से मुझे आई साइट की भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो गई, मतलब 2 बार मुझे लेज़र भी करवाना पड़ा और मेरी आंखों में भी इंजेक्शन्स लग रहे थे। मतलब जैसे सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक मुझे सूरज की किरणों की वजह से कुछ नज़र नहीं आता था, मतलब मुझे 10 फुट भी नज़र नहीं आता था। मतलब सुबह के 4 घंटे बिल्कुल नज़र नहीं आता था, बिल्कुल हाँ अंधे वाले बात थी। और लेकिन थोड़ा जब मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा तो मुझे हिम्स हॉस्पिटल के बारे में मैंने अच्छा, मतलब आप आंखों के लिए नहीं आए थे, मैं आप या किडनी के लिए आया था। क्रिएटिनिन तो कितना हो गया था आपका? क्रिएटिनिन 6.1 हो गया था जी, यानी कि डायलिसिस प्रोटोकॉल में आ गया। तो इसलिए मैंने कहा कि डायलिसिस तो हर बंदे ने सजेस्ट करना ही है, तो मैं क्यों ना ये ट्राई करूँ। तो क्योंकि कुछ हमारे रिश्तेदार भी थे जिनको जैसे हफ्ते में 3-3 डायलिसिस हो रहे थे, तो उसका 3 महीने में एक डायलिसिस पे आ गई है, वो लेडीज 70 ईयर्स की एज, जो यहाँ से होके तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप लोग क्यों ये वहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने रेगुलर जैसे योगा की, जो दूसरे सेशंस थे, हॉट वाटर थेरेपी भी लिया और वो टिल्टिंग वाला भी लिया, पंचकर्मा भी किया। तो 4 दिन के बाद मैं कॉशियसली नहीं, अचानक जब मैं नीचे से ऊपर आया तो मुझे लगा कि यार मुझे तो बिल्कुल दिख रहा है और मैं एकदम से देख पाता था। वो जो चीज़ मेरी पिछले 2-3 महीने से बिल्कुल ख़राब थी, मतलब मेरी आँखों का भी जो मेरा विजन है वो ठीक हो गया। तो ये आपके सामने एक पेशेंट हैं जिनको सिर्फ 4 दिन
हुए यहाँ हॉस्पिटल में आते हुए, पांचवा दिन है आज, पांचवा दिन, और आज ही विजन वापिस आया कल 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 इनको चौथे दिन में इनको विजन वापिस आ गया था, जो सुबह 6 से 10 इनको 4 घंटे के लिए कुछ नजर नहीं आता था, 10 फुट दूर का भी, वो सारा इनको चौथे दिन वापिस आ गया। तो ये कितना बड़ा आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का और सृष्टि के पांचों तत्वों को बैलेंस करने का चमत्कार है। देखा आपने, पेशेंट की आंखों की रोशनी वापिस आ गई, जो उसको सुबह नहीं दिखता था, पहले उसकी आंखों में इंजेक्शन लग चुके थे, सर्जरी हो चुकी थी और पेशेंट लाचार था। अभी पेशेंट की हालत आप देख चुके हो। अभी हम भारती की वीडियो देखते हैं, मोदी जी के भाई प्रहलाद मोदी जी की वीडियो देखते हैं। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, वो भी आयुर्वेद की मदद से, नेचुरोपैथी की मदद से ठीक हुए हैं, वो वीडियो भी अभी हम देखेंगे। पहले आप एक चीज समझ लीजिए, आयुर्वेद महान है सबसे पहले, लेकिन शर्त क्या है, आपको विश्वास करना होगा। विश्वास के लिए मैं आपको पहले 2-4 किडनी के ठीक हुए पेशेंट, फिर लीवर के ठीक हुए पेशेंट, फिर कैंसर के ठीक हुए पेशेंट दिखाता हूँ। देखिए, बीपी हाई रहता था और मेरे किडनी में सूजन सी रहती थी, मुझे पेन होता था। यहाँ पे आने के बाद जो है मेरा बीपी 120-80 इस समय है, और किडनी का जो फूलापन और दर्द पेन था वो इस समय कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आराम है, मैं एकदम नॉर्मल जैसा मुझे फील हो रहा है। मेरे गोल ब्लैडर में पथरी हैं। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए आई हूँ। ओके। और फिर डॉक्टर ने जब मैं उसको निकलवाना चाह रही थी, तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि पहले सीटी स्कैन कराओ, तो मेरी पीछे कमर में गांठे बताई, तो मेरे को अब ना गांठे दिखाई दे रही है, ना गोल ब्लैडर में कोई परेशानी। मतलब 3 दिन में आपको कितना परसेंट आराम आ गया? 100% आराम आ गया। बहुत अच्छी बात। 6 साल से जो है किडनी से संबंधित बीमारी थी और उससे काफ़ी दिनों तक चला नहीं जाता था। मैंने 6 साल से बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयाँ, होम्योपैथिक दवाइयाँ और आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी खाई। आप कब हमारे पास आए और अब तब से लेके आपके क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं यहाँ पे? मैं पर आया था उस समय मेरी अवस्था ज़्यादा ख़राब थी, मेरा जो है क्रिएटिनिन 8 था और ब्लड यूरिया 250 था, और उसके बाद जो है आज जब मैं घर पर जा रहा हूँ तो इस वक्त क्रिएटिनिन 5 है और ब्लड यूरिया जो है 150 है। यह जो थेरेपी होती है वो तरीका जो है बहुत अच्छा है और उससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। इनका पैसे कमाने का उद्देश्य न होकर हमारे देश के लोगों को स्वस्थ करने का उद्देश्य है। आपका नाम क्या है? गंगाधर स्वाई। कहाँ से आए हो? उड़ीसा। उड़ीसा से। जब आप यहाँ पे आए थे क्या क्या प्रॉब्लम आपको थी जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो? मेरा तो 20 साल का शुगर था, 20 साल का बीपी था और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरा एसिड था इसमें, मेरा मुंह में ये आता था बांध नहीं कर पा। अरे कोई बात नहीं, अभी मेरा बीपी छूट गया। हाँ जी। इधर एसिड भी ठीक हो गया और इंसुलिन मैंने 20 साल से ले रहा था वो छूट गया। देखो ये तो इतनी अच्छी बात है, इसके लिए तो आपको खुश होना चाहिए कि आपकी सारी चीजें छूट गई है, लेकिन ये अंदर के खुश का आंसू है, खुशी का आंसू है, ठीक है, ऐसे निकल आता है। हाँ जी, हाँ जी। भावो भावो। हाँ जी। एक वो तो इधर हेवनली फील हुआ है, मैं पहले इधर आने का पहले जीना नहीं जाता था, अभी मेरे को रिटायरमेंट अभी हो गया, 5 साल हो गया, मैं 5 साल में ख़त्म हो जाऊंगा, बल्कि मैं फैमिली को बोल रहा था, अभी तो मेरे को अभी बच्चा हुआ है, अभी मैं और 10-20 साल जीने का आस आ गया है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैं 10 साल कुछ नहीं होऊंगा। तीन दिन में ये इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया लगा क्योंकि टोटली लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है। सुबह से लेके सुबह का काढ़ा और पत्ते, नारियल पानी और सारा दिन जो रूटीन रहती है और थेरेपीज होती हैं, तो जितनी मेरी शुगर लेवल रहता था आफ्टर मेडिसिन, अब ये विदाउट मेडिसिन आ रहा है। मेरे को चलना भी नहीं आता था जी, तो मैं तो मेरे को वही चलती नहीं रहती, अभी बहुत चलने लगे, अभी बहुत अच्छा लग रहा है।
आज ऐसी कोई समस्या नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। हाँ, बहुत शुगर जो आपको समस्या थी पहले वो कंट्रोल चल रही है, तो खुश होना चाहिए कि हमारी समस्या सॉल्व हो गई, ठीक है ना। शुगर आपकी कंट्रोल है, अभी आपको जो पस डिस्चार्ज आ रहा था वो बंद है, लगभग 95% पस डिस्चार्ज बंद हो गए, ठीक है। पहले से बहुत अच्छा है, अभी कुछ नहीं है। मुझे भूख काफ़ी कम लगती थी, मेरे सिर में दर्द रहता था 1.5-2 साल से। बाद में पता चला वो सिर में दर्द, पहले तो ये शक था कि माइग्रेन है, क्योंकि उससे यहाँ पे हार्ट बीट फील होती है, मेरे पीछे होता था। फिर पता चला वो हाई बीपी था, वो मैनेज नहीं हो पा रहा था बहुत टाइम से, और मुझे उसकी आदत हो गई थी। ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ता है, बीपी मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ के उन्होंने किया मॉनिटर, एकदम से कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा था, 185 था। फिर हुआ इनकी थेरेपी से कम, इनकी वाटर थेरेपी जो है उससे कम हुआ, बहुत जल्दी जल्दी कम हो गया, और अब मैनेज्ड है। मेरी भूख भी अच्छे से मैनेज्ड है, मेरी नींद भी बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे देखिए, अपनी बॉडी को ना बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कीजिए, बहुत धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। मैं पहले सब कुछ खाती थी, मेरी भूख कब कम होनी शुरू हुई मुझे पता नहीं चला, मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया। अभी भी मैं इतनी ज़्यादा नहीं है हीमोग्लोबिन मेरे में, पर यहाँ आके काफ़ी बढ़ गया। मैं 6 पे आई थी, 6.7 है अभी फिलहाल, सिर्फ इतने दिनों में। मेरे को डायबिटीज़ थी, जिसके कारण मैं इंसुलिन भी लेता था। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी डायबिटीज़ भी सही है, इंसुलिन सारी चीज़ बंद है मेरी, और फिलहाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस टाइम। इससे पहले आपने कहीं और अपना इलाज कराया? हाँ, इससे पहले मैंने फरीदाबाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया था, वहाँ पे मेरे को डायलिसिस भी चालू थी। अभी मेरे को यहाँ से 3 तारीख को आया था, मैं 3 के बाद 13 तारीख को मेरे को डायलिसिस हुई है यहाँ पे, उसके बाद अब मैं ठीक हूँ फिलहाल। मेरा नाम नाजनीन तालुकदार है, मैं आसाम से आई हूँ। मेरा पहले बीपी और शुगर का, ब्लड शुगर का प्रॉब्लम था, तो यहाँ 3 दिन का 72 आवर्स कैंप में मैं ज्वाइन किया, तो यहाँ मेरा बीपी की गोली छुड़वा दी गई और डायबिटीज़ की गोली भी बंद है। और मुझे बैक पेन का भी प्रॉब्लम था, तो वो भी मुझे मतलब 80% रिलीफ मिल गया, तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को फैटी लीवर था और वेट मेरा 76.800 था। अब मुझे 8 दिन यहाँ पर हो चुके हैं, अब मैं खुश होकर घर जा रही हूँ, क्योंकि मेरा लीवर भी जो फैटी था वो स्किन स्केन करा तो कम है, और वेट भी मेरा 2.5 से 3 किलो वज़न ये 7 दिन में कम हुआ है यानी, तो मैं बहुत खुश हूँ। सभी को बोलना चाहती हूँ कि अपनी बीमारी को भगाना है तो आप ये हिम्स हॉस्पिटल में आइए। देखा आपने किडनी फेल में कैसे आराम मिला, लीवर फेल में, कैंसर में, हार्ट की प्रॉब्लम में कैसे आराम मिला। अब हम देखते हैं प्रहलाद मोदी जी, जो मोदी जी के भाई हैं, वो आयुर्वेद के बारे में क्या कह रहे हैं। मुझे 92 से डायबिटीज और हाई बीपी था, इस सब के कारण मेरी किडनी फेल हो गई, मैं डायलिसिस पर चला गया। फिर मुझे पता लगा कि चंडीगढ़ के पास एक हिम हॉस्पिटल है, वहाँ पानी की थेरेपी से डायलिसिस मुक्त हो सकते हैं। लेकिन आज मैं ऊपर के रूम पे खुद चल के चढ़ के आ सकता हूँ, यही उसका रिजल्ट है। मनीष जी की देखरेख नीचे ही लेने का मैं आग्रह करता हूँ, क्योंकि यहाँ जो सुविधाएं हैं, पारिवारिक एटमोस्फियर है, ये सब देखते हुए हिम हॉस्पिटल अपने लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। इस आशा के किरण के साथ मैं हिम हॉस्पिटल पहुंचा। शुरुआत में मुझे हिम हॉस्पिटल में सभी थेरेपियों से परिचित हुआ और थेरेपियां मेरी शुरू हो गई, तो मुझे लगा कि मैं मेरे परिवार में ही हूं, मैं मेरे घर से दूर नहीं हूं। हिम हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ जैसे माँ बच्चे के साथ व्यवहार करती है, ऐसा व्यवहार होता है। पेशेंट को ऐसा नहीं लगता कि मैं पराए घर में आया हूँ, और पेशेंट को ऐसा बनती है कि मैं यहाँ से ठीक होकर जाऊंगा। मुझे जब थेरेपियाँ शुरू की, तो शुरुआत से 12 दिन तक मैं जितनी थेरेपियाँ मेरे साथ की है, उन सब से मुझे डायबिटीज में, हाई बीपी में कंट्रोल लगभग आ गया है। तो देखा आपने, अब पूरे भारत में हमारे 30 से अधिक हॉस्पिटल हैं। सबसे बड़ा हॉस्पिटल, एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल, 5 स्टार
ये हमारा मेरठ में है, ये मेरी स्क्रीन के ऊपर वीडियो चल रही है, फोटो चल रही है, ये हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल तो नाम है, बेसिकली ये रिजॉर्ट है। तो ये मेरठ में है, दिल्ली के पास में, गंगा के किनारे। ये नवी मुंबई का हॉस्पिटल है, 150 बेड का है। लखनऊ वाला 100 बेड का है। ऐसे ही डेराबसी चंडीगढ़ में हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल है। तो ये चार हमारे बड़े हॉस्पिटल हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, बड़ी बीमारी है, तो आपको कुछ दिन हमारी हॉस्पिटल में शुद्धि करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए आना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा। 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन, डिपेंड ऑन योर प्रॉब्लम। इसके अलावा अगर आपकी बीमारी बहुत गंभीर नहीं है, अभी आपका डायलिसिस शुरू नहीं हुआ, अभी आपका क्रिएटिनिन सिर्फ बढ़ा है, तो आप दवाइयों से भी हमारे संस्थान में आकर ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा आप एक चीज़ ध्यान रखना, घर पर होमवर्क भी करना पड़ता है, डाइट ठीक करनी पड़ेगी, हॉट वाटर इमर्शन, हेड डाउन टिल्ट, इसके अलावा पंचकर्म थेरेपी, नंगे पांव घास पे घूमना, रोज धूप लेना, DIP डाइट, परहेज, ये सब भी आपकी शक्ति बढ़ाएगा, आपकी शक्ति को और बढ़ा देगा, ताकि आप भविष्य में बीमार नहीं हो पाए। आपने कभी सुना है जानवर भी बीमार पड़ता है ना, तो अपने आप को खुद ठीक कर लेता है, लेकिन हम बीमार पड़ते ही हॉस्पिटल भागते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आप आयुर्वेद पर भरोसा करें, नेचुरोपैथी पर भरोसा करें। कोई भी बीमारी है, आपके किसी भी रिश्तेदार को कोई बहुत बड़ी बीमारी है, तो आपके पास एक ही तरीका है, आयुर्वेद। क्योंकि BP है तो उसके भयंकर साइड इफेक्ट है। स्क्रीन पर स्कैनर चल रहा है, स्कैन कीजिए, देखिए बीपी की गोली के साइड इफेक्ट। अब देखिए स्क्रीन पर शुगर के लिए स्कैनर चल रहा है, इस स्कैनर को स्कैन कीजिए, आप हैरान हो जाएंगे, शुगर की गोली के साइड इफेक्ट। अब एक और स्कैनर है, थायराइड की गोली के साइड इफेक्ट, बुखार की गोली के साइड इफेक्ट। ये सब स्कैनर स्क्रीन पर मैं आपके 25-25 सेकंड, 20-20 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, ताकि आप स्कैन करके खुद देख सकें कि जो गोली आप पिछले कई सालों से शुगर की खा रहे हो, BP की खा रहे हो, थायराइड की खा रहे हो, या कोई जोड़ों के दर्द की खा रहे हो, किडनी फेल की खा रहे हो, लीवर फेल की खा रहे हो, पेशाब बढ़ाने की गोली खा रहे हो, साइड इफेक्ट ही साइड इफेक्ट। आप एक काम करो, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, वहां पर एक मैसेज लिख दीजिए, सेंड मी। क्या लिखना है? सेंड मी। तो इस मोबाइल नंबर से आपको पूरी की पूरी साइड इफेक्ट की बुकलेट आ जाएगी, पुस्तिका आ जाएगी, कि किस किस दवाई की गोली के कितने सारे साइड इफेक्ट हैं। फिर स्क्रीन पर लिखिए हाय, या आप लिखिए स्क्रीन पर राम राम जी, तो आपको हमारे हॉस्पिटल की लिस्ट आ जाएगी, क्लिनिक्स की लिस्ट आ जाएगी। आप स्क्रीन पर जो बोलोगे आपको वो हम व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता देंगे। आपने हमें व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट भेजनी है, अपनी जीभ निकाल के उसकी फोटो भेजनी है, और हमारे डॉक्टर से अपनी बात करनी है, या हमारे हेल्थ काउंसलर से बात करनी है। कोई भी बीमारी जड़ पर काम करके ठीक हो सकती है। पूरे भारत को स्वस्थ बनाना है, भारत की GDP को बढ़ाना है, तो एक ही तरीका है, हर भारतीय स्वस्थ हो, और स्वस्थ व्यक्ति ही एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। हमारा स्लोगन भी है, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। आओ मिलते हैं, स्वस्थ भारत बनाते हैं। आप एक काम कीजिए, एक छोटी सी वीडियो देखिए, ये भालू का बच्चा और भालू, ये चढ़ रहे थे बर्फ पर, ये देखिए जरा वीडियो, पूरी वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा विश्वास में कितनी शक्ति है, कैसे भालू का बच्चा और भालू बर्फ पर चढ़ रहे हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ दे खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
अब देखिए वो दोबारा से हिम्मत मार के चढ़ता है और पूरा बर्फ के ऊपर तक अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। तो देखा आपने, भालू का बच्चा कोई स्कूल में नहीं गया, लेकिन वो बार बार प्रयास करके अपनी माँ के पास नीचे गिर के फिर भी ऊपर चढ़ के पहुंच गया। तो आपकी कोई भी बीमारी, किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम, ऑटोइम्यून डिजीज, थैलेसीमिया, सोराइसिस, ल्यूकोडर्मा, दिमाग की कोई कमजोरी, घुटने का दर्द, जानू बस्ती से ठीक होता है, साथ में आयुर्वेद चाहिए। कमर का दर्द पृष्ठ बस्ती से ठीक होता है, साथ में कोई थेरेपी चाहिए, कुछ आयुर्वेद की जड़ी बूटियां चाहिए। गर्दन का दर्द सर्वाइकल, आपका ग्रीवावस्थी से ठीक होता है, रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर ने हिप रिप्लेसमेंट बोला हो, कटिवस्थी, ग्रीवावस्थी और पृष्ठवस्थी से ठीक होता है। इसके अलावा आंखों के रोग, जो मैंने मोदी जी की वीडियो दिखाई, अक्षय तर्पण से ठीक होता है। अगर आपको कब्जी है, गैस है, तेजाब है, बवासीर है, फिशर है, फिस्टूला है, के 3 दिन हमारे हॉस्पिटलों में ऑपरेशन होते हैं आयुर्वेद के माध्यम से, शार सूत्र के माध्यम से। अगर आप में से किसी को लीवर की बीमारी है, लीवर फैटी है, लीवर फाइब्रोसिस है, लीवर सिरोसिस है, लीवर में कैंसर है, लीवर में गांठ है, तो डेरा बस्सी हॉस्पिटल में और मेरठ हॉस्पिटल में, जो सबसे बड़ा एशिया का हॉस्पिटल है मेरठ वाला, 1000 बेड का, यहाँ लीवर फाइब्रोस्कैन हर सोमवार को फ्री चेक होता है, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। लीवर फाइब्रोस्कैन सोमवार को मेरठ में और डेरा बस्सी में फ्री चेक होगा। हर शुक्रवार को, शनिवार को किडनी का टेस्ट, DTPA स्कैन, शुक्रवार शनिवार को बिल्कुल फ्री होता है, फ्री चेकअप। कहाँ कहाँ? डेरा बस्सी में और मेरठ में फ्री, मतलब आपका DTPA का कोई पैसा भी नहीं लगेगा। हर सोमवार को हमारे हर हॉस्पिटल में, क्लिनिक में लीवर के लिए काढ़ा बिल्कुल फ्री पिलाया जाता है। शुक्रवार शनिवार को किडनी स्टोन का और किडनी का काढ़ा बिल्कुल फ्री पिलाया जाता है, और बुधवार को हार्ट प्रॉब्लम का काढ़ा भी हर क्लिनिक, हर हॉस्पिटल में फ्री पिलाया जाता है। पूरे भारत में हमने 100 हॉस्पिटल खोले ही क्यों हैं, 100 क्लिनिक क्यों खोले हैं? इसीलिए खोले हैं कि पूरे भारत को हमने मॉडर्न पैथी, एलोपैथी में नहीं जाने देना, क्योंकि मैंने आपको पूरी फुटेज भेज दी है, नंबर दे दिया है, जहां से आप हर बीमारी का साइड इफेक्ट पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि कितने साइड इफेक्ट है, उसके सारे रिसर्च पेपर मैं आपको दे चुका हूँ। अब निर्णय आपका है कि आयुर्वेद से इलाज कराना है, एलोपैथी से कराना है, चॉइस इज योर्स। आयुर्वेद, नेचुरोपैथी महान है, भारत के हैं, हमें संपर्क करो, और मॉडर्न पैथी, विदेशी चिकित्सा पद्धति बाहर है, उस पर कोई विश्वास मत करो। एक और बात, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस, तो हमारे सारे हॉस्पिटल जो NABH है, वहाँ आपका इलाज रिम्बर्समेंट हो सकता है या कैशलेस हो सकता है, यानी कि आपको पैसे नहीं लगेंगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया तो अभी करा लीजिए, अगर करा रखा है तो स्क्रीन पे हमें अपने हेल्थ इंश्योरेंस की फोटो भेजिए और बीमारी की जड़ पर काम कीजिए और आयुर्वेद को अपना लीजिए, अगर आप पूरे भारत का भविष्य चाहते हैं। धन्यवाद।